तिब्बत। अच्छा तिब्बत में थे आप? गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी हम अपने हॉस्टल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर आए हैं और मास्क अगर लगाए नहीं तो 1000 के फैन, इसीलिए दार्जिलिंग में हमेशा मास्क लगा कर ही चले। भाई साहब देख रहे उधर टी गार्डन, एक और पहाड़, ऊपर में क्लाउडी और लेबोंग है। ये लेबोंग का आर्मी कैंप है ना? रेजिमेंट है। अच्छा गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट, ये जो सामने जो दिख रहा है ये सारा घर, उसके आगे वाला पार्ट। तो पहले का अभी जिस हॉस्टल में हम रुके थे बैकपैकर्स हॉस्टल, तो वहाँ पे दो भाई मिले हैं तमिल ब्रो। या हाय, मायसेल्फ तमिल एंड आई फ्रॉम तमिलनाडु। और एक और जो भाई जो ऊपर दिख रहे हैं ये ट्यूनेशिया के हैं और 2 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। 41 कंट्री राइट? या 41 कंट्री। कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं तो हम प्राइवेसी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम आना चाहते हैं तो बात नहीं है। तमिल ब्रदर है। मेनली क्या है ना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अच्छा बंदा है थोड़ा। थैंक यू। आपको जो सब्सक्राइब है इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिएगा। और यहाँ क्या है दार्जिलिंग में, ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, ये नेचुरल वाटर है, ये पहाड़ों के बीच से निकला हुआ है और इसे बिना फिल्टर किए हुए पी सकते हैं। ऊपर एक कोई छोटा मोटा वाटरफॉल है तो वहाँ से पानी कनेक्टेड है और इससे आप बिना फिल्टर किए हुए पी सकते हैं। हमें चढ़ना है ऊपर। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे सिर्फ घूम रहे हैं। दार्जिलिंग में क्या है कि आपको जो रोड मिलेगा ना वो काफ़ी घुमावदार है। यूँ मान लीजिए यू टर्न ऐसे गए, फिर तुरंत फिर ऐसे बैक आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तो इस तरह का शॉर्टकट बने हुए हैं। और काफ़ी बारिश का टाइम में तो काफ़ी पैर स्लिप करेगा, तो ये सब का भी ध्यान रखें। तो अभी हम लोग आए हैं वहाँ से और नीचे कितना गड्ढा है आप लोग देख सकते हैं यार, बादलों के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। जी तो हम लोग आए हैं अभी तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप। जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाइड कर लिया था तो वहाँ से कुछ लोग इंडिया आ गए थे और ये जो जगह है ये तिब्बती रिफ्यूजी कैंप है। ऐसा एज पर गूगल जो भी तिब्बतियन रिफ्यूजीज बना के इंडिया के अंदर आया हुआ था जब दार्जिलिंग में, उन लोगों के लिए यहाँ है कि जो पत्थर में लिखा हुआ था जैसा ही अमेरिकन एमरजेंसी कमेटी ने उन लोगों के लिए कम से कम 4 एकड़ का ज़मीन दिया हुआ है यहाँ पर, इन लोग जो रेफ्यूजी सेंटर बना लिया। ये थोड़ा दिखा मुझे तेरा लाइक थैंक यू फॉर इंडिया दलाई लामा यू नो एंड आई थिंक जवाहरलाल नेहरू। सो उनका टाइम में था ये हो रहा है शायद 1964, तो वही बेसिकली हो सकता है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू का फोटो भी है एंड यहाँ पर था जो एक लामा का लाइक हिज दलाई लामा इन 1910। ओके यू मान लीजिए कि ये जो तिब्बतियन रिफ्यूजी है ये फर्स्ट रहे होंगे जो यहाँ पे आए थे। अमेरिकन जो कमेटी है ये 4 एकड़ ये जगह दिए थे तिब्बतियन रिफ्यूजी लोगों के लिए और ये पूरा एक कैंप है जो वहाँ से जो तिब्बत से भाग के लोग आए दार्जिलिंग में रहने के लिए, और उन लोग के लिए ये रहा कुछ ऑफिस है, उन लोग का घर, ग्राउंड। यहाँ पे ना जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है ना
ये तिब्बतियन लोगों के लिए कल्चर का सेम है। ओके, यहाँ तो जो है ना मतलब वर्ल्ड फेमस ही बोल रहा है। ओके, तिब्बतियन ये जो रूम है ये तिब्बतियन कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है और ये वर्ल्ड फेमस है ना तिब्बतियन कल्चर। क्या जी आपका? पासंग। आप तिब्बत से? तिब्बत से। कब आए थे? पहले 1959 से। ये क्या है? इसमें क्या बनता है? क्या बनता है? पैंड और ये पेंट ना के लिए छोटा मोटा फिनिशिंग मशीन से कर रहा है। और ये सर सब हाथ से किया है? इतना हैंडमेड? हैंडमेड। आप एक ही है? दो आदमी है सर। अच्छा अच्छा। तो अभी जो हम पैंट वो कपड़ा दिखाए ये हैंडमेड है, ये हाथ से बना हुआ है। और जो छोटा मोटा जो फिनिशिंग होता है वो सिलाई मशीन से ही लोग करते हैं। कुछ चेंज है आपको? ये दार्जिलिंग में इन लोग का तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप। और ये जो वैन है ये ताइवान ने डोनेट किया था गिफ्ट। वहाँ उन लोग का दुकान रहा। और ये है तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप के अंदर जो तिब्बत में जो कल्चर हुआ करता था उन लोगों का। ये एक यूँ समझ लीजिए एक छोटा सा म्यूजियम है जो तिब्बत वहाँ कल्चर को दिखाया गया। और यहाँ पे हम ये तिब्बतियन शूज रहा उन लोग का पहनने के लिए। तिब्बत के छोटे बच्चे लोग इस तरह का जूता पहनते थे। ये रहे दलाई लामा जिन्हें आप लोग जानते होंगे। बनाने में जो उपयोग किया हुआ ऐसा वाला लग रहा है टूल्स उन लोगों का टूल है जस्ट कारपेंट्री काम के लिए। या तो अभी जो देखें वो तिब्बतियन लोगों का काइंड ऑफ टूल्स घर बनाने के लिए या फिर कुछ भी लकड़ी का सामान ऐसा कुछ बनाने के लिए। तो ये रहा हैंडमेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मिलता है, आप लोग खरीद सकते हैं और थोड़ा बहुत इन लोग का भी हेल्प हो जाएगा। कल्चर का जो यहाँ के ड्रेस है ये सारा हैंडमेड है, आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। 15,000 का कॉस्ट क्या है इसमें देख रहे हैं? हैंडमेड कारपेट है सर। हैंडमेड है ना? ये हैंडमेड है ना जी। 15,500 का है ये। 1000 का है फिर भी लेकिन कंपलसरी है। तो ये रहा उन लोग के लिए गर्म कपड़ा कारपेट। कारपेट दिस आइटम शो ड्रैगन कल्चर ये सब सैंपल है। अच्छा ये सब सेल्फ है। आप ये एक्सपोर्ट करता है क्या? साइंस है जो लकी के लिए उसे होता है। अच्छा साइंस है। ये सब तो मीनिंग रहा है। वेदर पूरा अभी क्लीन था, जस्ट अभी कुछ 10 से 15 मिनट हुआ होगा और बादल हमारे आसपास कभी भी बारिश हो सकता है यहाँ पे। क्या है और इन लोग जो हमारे जो इंडिया में जो गांधी जी चरखा चलाते थे तिब्बतियन कल्चर में भी ये फॉलो किया जाता है।
और ये रहे सब। तो ये सब अपने हाथ से कपड़ा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? वुलन जैकेट, वुलन बैग ऐसा बनाता है। जैकेट, जैकेट वुलन शोरूम है रेडीमेड। अच्छा अच्छा, खाली मटेरियल बनाना है। ओके, सीधा बनाना है। इस तरह का हैंडमेड आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक लाइक समझ लीजिए कि ये यहाँ पे बनाते हैं और बिक्री होता है इसके आगे। यहाँ पे तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप आते हो तो इन लोग का जो अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो सिर्फ सिलाई कढ़ाई, जो हैंडमेड प्रोडक्ट आप लोग देखे पीछे, और इसके अलावे इन लोग का यहाँ पे स्टोर है। तो आप लोग कभी आते हो तो इन लोग के लिए यहाँ पे हेल्प कीजिए, कुछ डोनेट कर सकते हो काफ़ी। यार इन लोग इसके अलावा कुछ कर भी क्या सकते हैं। और जहाँ तक हमें अभी तक दिखा सारा लगभग 70, 75, 80, अभी जो भाई सब अंदर जो दिखे थे अभी सिलाई मशीन में काम करते उनका एज 85 है। मतलब समझ रहे हैं कितना इन लोग मेहनती हैं। हाँ जी, तो इस कैंप के बारे में अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं ढंग से। ये जो रिफ्यूजी कैंप बना है ये बना है 2 अक्टूबर 1959। तो जब चाइना जब तिब्बत में पूरा फुली ऑक्यूपाइड जब कर लिया था तो इन लोग को वहाँ से भागना पड़ गया था कुछ लोगों को इंडिया के साइड। तो उस टाइम हुआ क्या था कि उन लोग तो हिमालय के पास, यार अकॉर्डिंग टू गूगल तो इन लोग हिमालय के ऊपर, हिमालय क्या बोल सकते हैं, मतलब पहाड़ी हिल्स एरिया था, वहाँ से इन लोग ट्रैकिंग करके यहाँ पे आए। और उनमें से कोई एक बंदा था झू योंग करके, तो यहाँ पे उन लोग जो आसपास के लोग थे तो उन लोग काफ़ी हेल्प किए और ये रिफ्यूजी कैंप बनाने में। मतलब नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे थे आप अभी? ये पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं। ओके, कितने साल के हैं आप? कितने साल के हैं आप? अभी 73। 73, 73 साल के हैं। ओके, स्वेटर बनता है। ये थोड़े मतलब कम सुनते हैं तो ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग रहते हैं। अभी चलते हैं हम मोनेस्ट्री पर। थैंक यू। मोनेस्ट्री ऊपर है। इन लोग का फ्लैग जो ऊपर में जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये आप लोग जब YouTube में देखते होंगे कि कोई लद्दाख जा रहा है बाइक से तो अपने गाड़ी के ऊपर वो बांध लेता है इस तरह का फ्लैग। तो ये एक इन लोग का कल्चर है। लामा लोग इस तरह का करते हैं, लामा लोग इस तरह का बांधते हैं अपने घर के पास, कोई उन लोग का जो अपना एक जगह होता है वहाँ पे बांधते हैं। और इन लोग का ऐसा मानना है, लामा लोग का ऐसा मानना है कि ये जो फ्लैग है ये जितना ऊंचाई पे रहे ना उतना बेटर है, इन लोग का शुभ माना जाता है ये। तो यही है। और दार्जिलिंग में जितने भी जगह हम गए हैं इस तरह का फ्लैग सबसे ऊपर बंधा हुआ हमें मिला है।